सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों से। रामपुर मैनपुरी के लिए सपा की बड़ी तैयारियां चल रही हैं, लेकिन ये तैयारी किस हद तक उनके काम आने वाली है ये तो वक्त ही बताएगा। खैर, गोला में मिली हार का बदला सपा इस उपचुनाव में लेने के लिए पूरी तरह से मूड में नजर आ रही है। गोला के उपचुनाव में सपा बीजेपी से करारी शिकस्त मिल चुकी है, जिसके बाद अब रामपुर और मैनपुरी के उपचुनाव के लिए सपा ने बड़ी तैयारी की है। इस बार उम्मीदवारों के तौर पर मैनपुरी से तेज प्रताप का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। वहीं रामपुर की सीट से तंजीन फातिमा के चुनाव लड़ने के आसार हैं। सूत्रों के मुताबिक मैनपुरी में सपा के चुनावी मुकाबले के लिए भाजपा शाक्य समाज के उम्मीदवार पर दाव लगा सकती है। मैनपुरी में यादव और शाक्य मतदाताओं की एक बड़ी संख्या लगभग बराबर के स्तर पर है। आपको बता दें कि मैनपुरी में उपचुनाव की घोषणा होते ही अखिलेश यादव खुद सफाई पहुंचे और वहां पे उन्होंने सपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ मुलाकात की है, जिसमें आपके मैनपुरी से पूर्व विधायक राजू यादव, पूर्व मंत्री आलोक शाक्य और पूर्व MLC अरविंद यादव, ब्लॉक प्रमुख नीरज यादव समेत 24 बड़े पदाधिकारी वहां मौजूद रहे, जिसमें यह तय करना था कि किसको इस सीट से उपचुनाव के लिए खड़ा किया जाएगा। मुलायम सिंह के निधन के बाद ये संसदीय सीट खाली हो गई थी, जिसपे अब तैयारियां तेज हो गई हैं। सपा ने पूरा मन बना रखा है कि गोला की हार से अब बीजेपी को शिकस्त देनी है। इसको लेकर आपके पास क्या जानकारी है और तेज प्रताप यादव का जो नाम सामने आ रहा है इसको लेकर भी आप कुछ बताइए। देखिए मनीष, सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी गोला में हार हुई है सपा की वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण थी, और दूसरी बात यह है कि जो मैनपुरी है और रामपुर है ये सपा का गढ़ माना जाता है, और इस सीट से मैनपुरी से हमेशा से मुलायम सिंह यादव जीतते आए हैं और किसी भी पार्टी का कब्जा यहाँ पर नहीं हुआ है। पिछले 2019 के चुनाव में भाजपा ने प्रेम सिंह साग के उतारा था, लेकिन उन्होंने भी कड़ी टक्कर दी थी। कड़ी टक्कर इस वजह से दी थी कि आपको बता दूं कि मुलायम सिंह हमेशा लाखों के अंतर से वोट जीतते थे, लाखों के अंतर से उनकी जीत दर्ज की जाती थी, लेकिन इस पिछली बार उनको केवल 93,000 वोट ही उनको जीत पे बन सके। उसके बाद से आपको बता दूं कि मुलायम सिंह के निधन के बाद से लगातार सरगर्मियां तेज हैं, क्योंकि सपा के जो बड़े अधिकारी हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, अखिलेश यादव हो गए, चाहे तमाम लोग हो गए, वो यहाँ पर दौरा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे चुनौती बड़ी बात ये है कि जो भाजपा है वो ये चाहती है कि कोई लोकल कैंडिडेट हो, उनके बीच का कैंडिडेट हो, और तमाम जो है उसके बाद से भाजपा के और चाहे सपा के कार्यकर्ता हों, उनका दिल्ली और लखनऊ में रोज़ाना दौरा हो रहा है और हर कोई टिकट मांगने के फिराक में है। जी, देखा जाए तो बहुत ही ज़मीनी स्तर पर जाके नेतृत्व करता है चीज़ों का, और अब उन्होंने अपने पन्ना प्रमुख जो इनके सबसे निचले स्तर के कार्यकर्ताओं पर होता है उनको सक्रिय कर दिया है, और सबसे मजबूत कड़ी भी भाजपा के लिए यही है। आपको क्या लगता है कि भाजपा से कौन उम्मीदवार इस सफाई की ये मुलायम सिंह की सीट से खड़ा हो सकता है? देखिए मनीष, आपको बता दूं कि भाजपा ने फिलहाल अपनी अभी किसी भी नाम का ऐलान नहीं किया है, और सपा की बात बता दूं कि जो मुलायम सिंह के भाई के पोते हैं तेज प्रताप यादव, उनके नाम की चर्चा सरगर्मियां से चल रही है, और यहां पर तमाम जो नेता हैं, चाहे पूर्व ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, वो भी टिकट की फिराक में। और सबसे बड़ी बात है कि भाजपा के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी ये उपचुनाव, रामपुर हो गया मैनपुरी का उपचुनाव, बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि यहाँ पर से हमेशा से आपको बता दूं कि सपा का गढ़ माना जाता है और सपा ही हमेशा जीतती है। और अब तकरीबन आपको बता दूं कि यहाँ पर यादव और शाक्य की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा बताई जा रही है, तकरीबन 5 लाख के तकरीबन वोटर हैं जो यादव माने जा रहे हैं, और 3-3 लाख की बात करूँ तो शाक्य हैं, और उसके बाद अगर बचते हैं तो वो ठाकुर और ब्राह्मण हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर भाजपा दाव खेलेगी तो वो शाक्य के सीट पर खेल सकती है, शाक्य को उतार सकती है, और सपा की बात करूँ तो सपा हमेशा से जो यादव वोट बैंक है वो यादव की ही भरोसा करेगी। और दूसरी बात बता दूँ कि वहाँ दूसरी तरफ प्रसपा की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शिवपाल यादव, वो भी कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपना एक बयान दिया था कि 2024 में अगर नेताजी चुनाव नहीं लड़ेंगे तो वो, और नेताजी अगर चुनाव लड़ेंगे मैनपुरी से तो वो नहीं लड़ेंगे। और नेताजी के निधन के बाद सबसे बड़ी चुनौती ये भी है, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार सैफई का दौरा कर रहे हैं, और तमाम जो अपने परिवार हैं उनका ये साफ साफ मानना है कि जो मैनपुरी की जो सीट हो वहाँ पर उनके परिवार का केवल एक ही व्यक्ति हो जो वहाँ से लड़े और कोई चुनौती ना दे पाए, क्योंकि और सबसे बड़ी बात यह है कि मनीष आपको बता दूं कि शिवपाल की कहीं ना कहीं नज़दीकियां जो विधानसभा चुनाव में बढ़ी थी, उसके बाद से शिवपाल ने अब दूरियां बना ली है
विधानसभा चुनाव के बाद से शिवपाल ने यहाँ दूरियाँ बना ली अखिलेश यादव से। और क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात, जब तक नेता जी थे मुलायम सिंह यादव थे तब तक शिवपाल का जो समर्थन था वो हमेशा से नेताजी को रहा है। लेकिन अब बता दो कि कहीं ना कहीं शिवपाल ने दूरियाँ बना ली है, तो अब देखने वाली बात सबसे बड़ी चुनौती ये भी होगी कि क्या शिवपाल भी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, और नहीं लड़ेंगे तो किस तरह अखिलेश यादव उन्हें मान मनोवल करके मनाते हैं। जी, पूर्व सांसद अब तेज प्रताप यादव जो कि भतीजे भी हैं अखिलेश यादव के, इनका काफ़ी इनको खड़ा भी किया जाने की पूरी संभावना जताई जा रही है, और ये फाइनल भी आज मुझे लगता है हो जाएगा शाम तक। तो आपको क्या लगता है तेज प्रताप यादव कितने मजबूत कैंडिडेट इस समय सफाई में रहेंगे? देखिए मनीष, आपको बता दूं कि जो मैनपुरी सीट है यहाँ पर यादव का वोट बैंक काफ़ी अधिक माना जाता है, और मुलायम सिंह के परिवार को हर कोई अपना व्यक्ति मानता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमने पिछले कुछ दिनों पहले जो मुलायम सिंह की खबर थी वहाँ पर हमने लाइव दिखाया था कि किस तरह से वहाँ की जो जनता है उन्हें कितना प्यार करती है, उनके परिवार को कितना प्यार करती है। और सबसे बड़ी बात यह कि मुलायम सिंह एक ज़मीनी नेता थे, ज़मीनी नेता के तौर पर उन्हें एक देखा जाता था। और उसके और साथ ही आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं मुलायम सिंह के निधन के बाद सीट तो खाली हुई है, लेकिन सपा के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी साबित हो सकती है और हर पार्टी के लिए चुनौती साबित हो सकती है। वहाँ दूसरी तरफ कांग्रेस ने अभी कोई भी ऐलान नहीं किया है कि वो अपना पार्टी को उतारेगी, और कड़ी टक्कर अगर देखा जाए तो तेज प्रताप यादव जो है वो एक मजबूत कैंडिडेट माने जा रहे हैं, और हो सकता है कि शायद उनके नाम पर पूरी तरह से सहमति बन जाए, और हो सकता है कि क्या पता शिवपाल यादव किसी तरह अखिलेश की बातों में मान मनोवल करके मान जाए और अपने कदम पीछे हटा लें। और शिवपाल यादव को देखने वाली बात है कि शिवपाल यादव भी अपने स्तर के एक बहुत बड़े नेता हैं, और उनका भी वोट बैंक काफ़ी अच्छा माना जाता है। और अब सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि अखिलेश यादव किस तरह से तेज प्रताप यादव के नाम पर मोहर लगाते हैं या फिर किसी और कैंडिडेट को उतारते हैं। वहीं भाजपा जो है अपने लोकल कैंडिडेट को उतारने के फिराक में, क्योंकि साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ यादव और साथ के वोट काफ़ी अधिक संख्या में है। और चुनौती रहेगा इस बार का चुनाव, 5 दिसंबर को चुनाव का ऐलान हुआ है, 8 दिसंबर को मतगणना होगी, और साथ साथ ये हो जाएगा किस तरह से मुलायम सिंह के निधन के बाद क्या सपा अपना गढ़ बचा पाती या फिर भाजपा उसमें उस सीट में सेंध लगाती है। जी सागर, कहीं ना कहीं साग समाज और यादव समाज का समीकरण जो है वो बराबर बैठता है। फिलहाल ये देखने वाली बात है कि मुलायम सिंह यादव की विरासत कौन संभालेगा। फिलहाल इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई। इसी सीट पर समाजवादी पार्टी किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी, इसकी चर्चा अभी जारी है। इसी बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव चाचा रामगोपाल यादव से चर्चा करने सफाई पहुंचे। हालांकि सूत्र की माने तो इस सीट पर सपा ने अपने उम्मीदवार का नाम तय कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी परिवार से ही तेज प्रताप यादव को टिकट दे सकती है। तो आपको बता दें कि उपचुनाव की घोषणा होते ही अखिलेश यादव सफाई पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ भेंट करी। कम से कम 24 से 25 वरिष्ठ सपा के पदाधिकारी, और जिसमें कि पूर्व विधायक राजू यादव, आलोक शाक्य, MLC अरविंद यादव, ब्लॉक प्रमुख नीरज यादव समेत 24 से 25 पदाधिकारी वहाँ पर मौजूद रहे, और वहाँ पर इस उपचुनाव को लेकर मंथन किया गया, जिसमें कि जो जानकारी आ रही तेज प्रताप यादव को उपचुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। उम्मीद है कि मुलायम सिंह की जो संसदीय सीट रिक्त हुई है इस पर जो विरासत जो छोड़ गए हैं उस विरासत को संभालने के लिए तेज प्रताप यादव को चुना गया है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव मौजूद हैं। गौरव, अखिलेश यादव सफाई पहुंचे हैं जहां पे उनकी राम गोपाल यादव से मुलाकात हुई है, और उपचुनाव को लेकर मंथन भी हुआ है। तेज प्रताप यादव का नाम सामने आ रहा है, आपको क्या लगता है कि वहां पे समीकरण क्या बैठने वाले हैं? देखिए, चुनाव महत्वपूर्ण है, और अभी हाल में जिस तरह से मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ है उसके बाद ये सीट रिक्त हो गई थी, और सीट रिक्त होने के चलते चुनाव होने, दिसंबर में चुनाव है, तो पटकथा तैयार करनी बहुत ज़रूरी कि लोकसभा चुनाव के उपचुनाव रहेगा यहाँ पर, और बहुत महत्वपूरण सीट है यहाँ पर मैनपुरी की, क्योंकि समीकरण ऐसे बिठाने जरूरी है क्योंकि यहाँ पर तमाम तरह के दाव अन्य पार्टियाँ भी चलेंगी। हालांकि यहाँ पर जो मुख्य समीकरण यहाँ पर यह है कि तेज प्रताप को लाते हैं तो शिवपाल सिंह यादव की नाराजगी को कैसे दूर करना है, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं देखें तो कई मामले में कई माध्यम से वो यार स्पष्ट कर चुके हैं कि पार्टी को ये करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी पार्टी जो तय करेगी उस पर उसके बाद चुनाव लड़ा जाएगा। तो यहाँ पर तमाम तरह के समीकरण हैं। BJP का जो सूत्र बताते हैं अपर्णा यादव को चुनाव उतार सकती है जी। तो और यहाँ पर जो तेज प्रताप यादव जो पहले भी यहाँ से एक बार सांसद रह चुके हैं, उनकी भूमिका क्या रहेगी,
तो यहाँ पर मुलाकात हुई है और मुलाकात के बाद समीकरण क्या निकल के आते हैं, हो सकता है इसके औपचारिक ऐलान भी कर दें कि समय यहाँ कम बचा हुआ, मैनपुर सीट है, और जिस तरह से हाल में ही अभी हमने देखा गोला गोकर्णना सीट हार गए थे, यानी अरविंद गिरी से ज्यादा वोटों से उन्होंने यहाँ पर हराया गया था विनय तिवारी को। तो कहीं ना कहीं यह समीकरण बैठाने बहुत जरूरी है, और यहाँ पर मनीष समीकरण के साथ साथ नाराजी जो अन्य लोगों की है उसको दूर करना भी यहाँ पर अगले चालों के लिए महत्वपूर्ण चुनौती साबित होने वाला है। गौरव, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का कद इतना बड़ा था कि उस सीट पर जब विपक्षी पार्टियां भी अपने कमजोर ही कैंडिडेट को उतारती थी, जहां तक मैं समझता हूँ, और फिलहाल अब जो समीकरण बन रहे हैं उसको लेके लगता है। हाँ जी बताइए जी। बिल्कुल मनीष, यहाँ पर कमजोर तारती नहीं थी, यहाँ पर हिमालय पर बाकोवर दिया जाता था। अब चूंकि लोकतंत्र की व्यवस्था है, पर हालांकि अब जो व्यवस्था ऐसी हो गई है कि अब लोग उतारते ही नहीं है। बसपा अब उन्होंने देखा है उपचुनाव में लोगों को नहीं उतारती है, पर अभी हमने देखा है कि आजमगढ़ और रामपुर को उपचुनाव में उतारा था, हालांकि वहां पर सीट नहीं पा पाई थी, पर कांग्रेस भी नहीं उतारती है। तो यहाँ पर चुनाव में कौन उतारता, कौन इनको किस रूप में देखता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। कांग्रेस उतारती कि नहीं उतारती, बसपा उतारती नहीं उतारती है, पर दो पार्टियां यहाँ पर उम्मीदवार जरूर उतारेंगे, एक तो समाजवादी पार्टी, दूसरी भाजपा। तो मुख्य रूप से अगर चुनावी टक्कर माने इनके बीच में रहेगी, पर इसके बीच में समीकरण ये है कि कौन चुनाव लड़ता है, भाजपा से कौन लड़ेगा, समाजवादी पार्टी कौन लड़ेगा, कौन इस मैनपुर सीट पर अपने समीकरण को स्पष्ट करेगा। क्योंकि उपचुनाव होता है, उपचुनाव की देखा जाता है मुनन की सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में ही जाता है, पर यहाँ पर मैनपुरी की बात है, क्योंकि एक जो सहानुभूति रहेगी, जुड़ाव रहेगा मुलायम सिंह यादव से, वो भी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के पास अपने किले को बचाने की चुनौती भी होगी, वहीं भाजपा के पास महत्वपूर्ण चुनौती ये होगी कैसे मुलायम के मैनपुरगढ़ में यहाँ पर सेंध लगाई जाए। गौरव, आपको क्या लगता है बीजेपी और प्रसपा से कौन इस सीट की दावेदारी अपनी पेश कर सकता है, और आप किसके ऊपर आपको क्या आप लगा रहे हैं? देखिए, किसकी दावेदारी होती है वो तो अभी कुछ समय बाद स्पष्ट हो जाएगा, बहुत समय नहीं है, चुनाव भी पास में है, दिसंबर में चुनाव है, पर यहाँ पर जैसे नाम सामने आ रहे हैं, फिलहाल सूत्र बताते हैं वो जी मैं बता रहा हूँ, समाजवादी पार्टी से तेज प्रताप यादव का नाम आ रहा है, अगर शिवपाल सिंह यादव पक्ष में नहीं आते तो कहीं नहीं शिवपाल सिंह यादव चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा मुलायम सिंह यादव को अपना बड़ा भाई मानते रहे हैं, और ये उनके उन्होंने कहा था कि ये मेरे लिए सब कुछ है, इनके कहे सुनार चलता हूँ, तो उनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण रहने वाली है। भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को उतारने का मन बना सकती है, तो ये सूत्र बताते हैं उतारेगा कौन किसको, अभी स्पष्ट होने वाला है, पर ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होगा मनीष, ये बात स्पष्ट है। गौरव, रामपुर सीट से सपा तंजीन फातिमा को, आजम खान की जो पत्नी है उनको उतार रही है, आपको क्या लगता है कि कितना जन समर्थन को प्राप्त होगा, हालांकि वहाँ पे 50% के आसपास की मुस्लिम बाहुल्य जनसंख्या है, तो उनको कहीं ना कहीं इसका फायदा जरूर मिलेगा, आपको क्या लगता है उनके जीतने के चांसेस कितना प्रतिशत बढ़ जाता है, जो अभी आजम खान को लेकर जो भी अभी विवाद हुए हैं और उनको 3 साल का सजा दी गई थी, उसके बाद 25,000 का जुर्माना लगाया गया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उनको बरी भी कर दिया था, तो इन सब समीकरणों के बाद भी उनको कितना बहुमत वहां पे मिल सकता है, और रामपुर सीट उनके लिए कितनी सपा के लिए लकी हो सकती है, क्योंकि गोला सीट उतार चुके हैं। उतार चढ़ाव बड़ा समीकरण है, लोकसभा चुनाव हुआ हार गए जी, उसके बाद आजमगढ़ उपचुनाव हुआ हार गए जी, अब रामपुर में यहाँ पर चूंकि विधायक लड़े थे और विधायक बनने के बाद यहाँ पर सजा हुई है, चुनाव वहां पर उपचुनाव होना है, तंजीम फातिमा को उतार रहे हैं, इसके अलावा मैनपुर यहाँ पर ये अब्दुल्ला आजम पे भी तरवाल लटक रही है और तरवाल लटक चुकी है, हो सकता है कि स्वार्थ की जो कांडा सीट से वो जीत कर आए थे 2022 में वो भी रिक्त हो जाए, तो यहाँ पर तंजीम फातिमा की भूमिका क्या रहती है, क्या सहानुभूति वोट उनको मिलता है। देखिए, वहाँ की आबादी है 50% की आबादी है, पर जिस तरह से उपचुनाव में लोकसभा उपचुनाव में फैसला वहाँ पर आया था, तो मनीष स्पष्ट नहीं कह सकते कौन जीतेगा, क्योंकि झुकाव कहाँ रहता है, कौन यहाँ पर विजयी बनेगा, तमाम समीकरण सभा के पक्ष में हैं, पर हम देखते हैं आजमगढ़ की अगर बात करें, लोकसभा चुनाव हुआ था आजमगढ़ की, अगर 2022 चुनाव की बात करें, 10 विधायक सीटें जो विधानसभा सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी पक्ष में गई, क्लीन स्वीप हुई थी वहाँ पर भाजपा, पर उसके बावजूद भी आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव हार गई, तो कुछ कह नहीं सकते हैं समीकरण क्या होने वाले हैं और परिणाम क्या होने वाला है, थोड़ा समीकरण सभा के पक्ष में है, परिणाम क्या होने वाला है ये भी बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न अपने सामने रहेगा। जी गौरव, ये तो सामने आएगा, फिलहाल इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है, निर्वाचन आयोग ने जानकारी दी है कि इस सीट पर 5 दिसंबर को मतदान होगा। निर्वाचन आयोग ने बताया कि बीजेपी विधायक विक्रम सिंह को विधायकी से अयोग्य घोषित किए जाने की वजह से यह सीट उपचुनाव इस पर कराया जाएगा। इस
एक तरफ विक्रम सैनी की सदस्यता चली गई तो दूसरी तरफ सियासी आस्तीनें भी चढ़ने लगी हैं। सैनी की रालोद अध्यक्ष जयंत सिंह पर की गई टिप्पणी के बाद रालोद नेता ने खतौली में डेरा जमा लिया है। यहाँ 15 नवंबर को रालोद अध्यक्ष का रोड शो है। यही नहीं, भाजपा नेता भी पूरे मामले पर निगाह बनाए रखे हुए हैं। इस खबर पर हमारे साथ गौरव श्रीवास्तव जुड़े हैं। गौरव, विक्रम सिंह की विधायकी के लिए अयोग्य साबित कर दिया गया और उसी सीट पर उपचुनाव फिर से अब कराए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि अब क्या समीकरण वहां पे बैठने वाले हैं और इनको अयोग्य घोषित करने के क्या कारण रहे इस पर? देखिए मनीष, अभी हाल में ही आजम खां को यहाँ पर हेड स्पीच के मामले में सजा हुई और सजा के चलते जो सीट है रामपुर की रिक्त घोषित कर दी गई। उसके बाद से हम लगातार देख रहे थे कि विपक्ष खास तौर पर अगर सपा को अगर अलग कर दें तो रालोद लगातार हमलावर था और जयंत चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को पत्र भी लिखा था और पत्र के माध्यम से उन्होंने कहा था कि जो व्यवस्था आपने आदम खां के साथ लागू की है, जो व्यवस्था न्याय के तहत आदम खां के सीट को रिक्त करके की गई है, वो व्यवस्था विक्रम सैनी पे क्यों नहीं लागू होती है। उस पत्र को वायरल किया गया था, पत्र वायरल हुआ था, उसके बाद यहाँ पर संज्ञान लेते हुए विक्रम सिंह सैनी जो खतौली से विधायक है, मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा से विधायक है, उनकी सदस्यता को रोक लगा दी गई है और रिक्त कर दी गई है और अब वो सीट भी रिक्त हो गई है। 11 अक्टूबर को 2022 को फैसला आया था, उसके बाद लगातार सरगर्मियाँ चल रही थी। उसके बाद हेड स्पीच के मामले में जैसे ही आजम खां को यहाँ पर सजा मिली उसके बाद सीट रिक्त घोषित की गई, उसके बाद से पूरा विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया था और जयंत चौधरी पत्र लिखा था। उसके बाद यहाँ पर कड़ी कार्रवाई करते हुए संज्ञान लेता हुए उनको उनकी सदस्यता रद्द की गई थी और हालांकि ये कहा गया था कि लीगल व्यू लिया जाएगा विधानसभा सचिवालय के माध्यम से और लीगल व्यू के बाद उसको सीट को रिक्त करना है कि नहीं करना ये भी एक प्रकार का निर्णय लिया जाएगा। वो निर्णय कल ले लिया गया है और फिलहाल ये सीट रिक्त घोषित कर दी गई है और निश्चित रूप से यहाँ पर समीकरण क्या रहने वाले वो भी अहम बात ही बात होगी, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं लगातार कई तरह के मामले होते हैं। वहाँ पर संवैधानिक प्रक्रिया हमारे यही, जब भी कोई सीट रिक्त होती है तो उसको 6 महीने के अंदर आपको उपचुनाव कराने पड़ते हैं। उसी के चलते यहाँ खतौली में भी दिसंबर में चुनाव होगा और खतौली कौन जीतता है, क्योंकि यहाँ पर चुनाव महत्वपूर्ण इसलिए मनीष है कि इस समय चुनाव की अगर हम करें, कई तरह चुनाव है, हिमाचल प्रदेश चुनाव है, गुजरात में चुनाव है, लगातार बीजेपी के नेता वहाँ पर जा रहे हैं, प्रचार सभाएं कर रहे हैं, निकाय चुनाव भी उत्तर प्रदेश में होने हैं, वो चुनाव भी हैं, तो साथ ही साथ उपचुनाव भी लगातार हो रहा है। गोला गोकरनाथ में हो चुका है, परिणाम आ चुके हैं, बीजेपी वहाँ दोबारा जीत कर आई है। अब खतौली में क्या निर्णय होने वाला है, कवाल कांड के चलते वहाँ पर उनकी मामला उनकी सजा हुई थी विक्रम सिंह सैनी को जो खतौली से विधायक थे, अब आने वाले समय में सीट रिक्त हो चुकी है और किस तरह आने वाले समय समीकरण होंगे, कौन वहाँ से कौन उतारेगा, ये एक्सप्रेस में रहेगा। फिलहाल यहाँ मेरा मानना ये है कि यहाँ पर जो जिस तरह से जयंत रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने मोर्चा संभाला था, पत्र लिखा था, तो कहीं ना कहीं ये भी मान सकता है कि आपका रालोद और सपा का एक संयुक्त उम्मीदवार इस चुनाव में उतारा जा सके। जी गौरव, कहीं ना कहीं आजम खां और विक्रम सिंह के लिए ये राजनीतिक जो हेट स्पीच है ये कहीं ना कहीं उनको डुबाने का काम कर रही है। फिलहाल इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर गाजीपुर से है जहां माफिया मुख्तार अंसारी पर ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। ईडी टीम ने मुख्तार के साले सरजिल रजा उर्फ आतिफ को हिरासत में ले लिया है। ईडी की टीम ने गाजीपुर जिला जेल के बाहर सरजिल रजा को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक सरजिल गाजीपुर जिला जेल में बंद था और एक हफ्ते पहले ही सरजिल की जमानत हुई थी। जैसे ही सरजिल रिहा हुआ उसे ईडी टीम ने हिरासत में ले लिया और ईडी की टीम सरजिल रजा को लेकर प्रयागराज रवाना हो गई। बता दें कि मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी पहले ही ईडी की कस्टडी में रिमांड पर है। ये पता चला यहाँ कि प्रवर्तन निदेशालय वाले उनको अपने साथ ले गए, अपने घर नहीं गए, ये गेट से ही ये हमको पता चला है। हमको इसके अलावा कोई जानकारी नहीं दी गई यहाँ से और अंदर उनसे बात भी करने नहीं। पत्नी को मैंने देखा कि उनको रोक दिया गया, उनको भी बाद में बुलाया गया, बाद में बुला करके उनसे बातचीत कराई गई। तो आज जो जब मतलब जिनकी रिहाई हुई आतिफ की हुई या सरजील की हुई है? सरजील रजा उर्फ आतिफ को कहते हैं। मुख्तार अंसारी की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, उनके बेटे अब्बास अंसारी और छोटे बेटे उमर को लेकर भी ईडी की निगाहें तिरछी हो रखी हैं और अब उनके साले को लेकर भी सरजील को लेकर ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। कहीं ना कहीं अब्बास अंसारी ने इनका नाम लिया होगा जिस वजह से उनको भी गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल इस खबर पर हमारे साथ पवन पटेल हमारे संवाददाता
मौजूद हैं। पवन, सर्जिल को रिहाई होते ही फिर से गिरफ्तार कर लिया ईडी ने और पूछताछ के लिए अपने साथ प्रयागराज ले गई, इसको लेकर आपके पास क्या जानकारी है और अब्बास अंसारी की कितनी मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली हैं? बिल्कुल मनीष, जिस तरीके से अभी बीते 5 नवंबर को माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को ईडी टीम ने करीब 9 घंटे तक पूछताछ किया, पूछताछ के बाद उसको कोर्ट में पेश किया गया और वहां पे 14 दिनों की रिमांड मांगी गई थी। हालांकि जिला कोर्ट ने इनकी रिमांड को खारिज कर दिया और 7 दिनों की उसको रिमांड पे भेजा गया है। अब अगर देखा जाए तो तस्वीरें देखकर कहा जा सकता है कि मुख्तार अंसारी की जो मुसीबतें हैं वो कहीं कम होती हुई नजर आ रही है। आज उनके साले को जो है गाजीपुर जेल के बाहर से गिरफ्तार किया गया, बताया जा रहा है कि आसिफ के जो है पति और उनकी बच्ची उनसे मिलने गए थे, उसी दौरान जो है ईडी टीम ने गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार कर उनको प्रयागराज लाया गया है। हालांकि अभी तक किस तरीके की पूछताछ की जा रही है, किस तरीके की बातें हैं वो अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि साफ तौर पर कि मुख्तार अंसारी की जो मुश्किलें हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि अभी बीते 5 नवंबर को जब अब्बास अंसारी को ईडी टीम ने गिरफ्तार किया है तो काफी देर रात तक पूछताछ की गई है। दूसरे दिन मेडिकल कराने के बाद अब्बास अंसारी को ईडी टीम ने रिमांड पर 7 दिनों के लिए अपने साथ रखा है और जो पूछताछ का दौर है वो अभी तक जारी है और किस तरह की बातें वो अभी तक सामने नहीं आई है। जी मनीष, पवन, अब्बास अंसारी के अवैध संपत्ति मामले में उनको ईडी से लगातार पूछताछ हो रही है, इस पूछताछ में कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि सर्जिल भी कहीं ना कहीं शामिल है? अब चूंकि तस्वीरें इस तरीके से दिख रही हैं तो कि लगातार जब ईडी की टीम लगातार एक दूसरे को उठा रही है, उनके जुड़े उनसे लगे उनके लोगों को या उनके रिश्तेदारों को, तो कहीं ना कहीं इससे जो है वो तस्वीरें उसी ओर इशारा कर रही हैं। हालांकि अब किस तरीके की पूछताछ और किस तरीके की बातें हैं ये अभी तक साफ नहीं हो पाई है और तस्वीरें जैसे ही साफ होंगी वो सामने कहना थोड़ा सा भी जल्दबाजी होगा कि किस तरीके की बातें और किस तरीके की तस्वीरें सामने आए। लेकिन जिस तरीके से लगातार ईडी की टीम पूछताछ कर रही है, कहीं ना कहीं जो है एक बड़े प्रश्न की ओर जो है ये पूरी तस्वीरें जा रही हैं। जी मनीष, कहीं ना कहीं पवन, मुख्तार अंसारी की समस्याएं और उनकी तकलीफें बढ़ती ही नजर आ रही हैं, इसको लेकर पहले अब्बास अंसारी, उसका उमर, अब इनके साले पर भी गिरफ्त हो गई है और आने वाले समय में इनके पारिवारिक सदस्यों पर भी ईडी की कहीं ना कहीं नजर तिरछी जरूर होगी। फिलहाल इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।